हेलो दोस्तों, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट से किस प्रकार से एरे का एलिमेंट सबको हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट मतलब उसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आयो strem स्ट्रीम डॉट एच इतना पड़ेगा। उसके बाद फिर हैच इंक्लूड को नियो डॉट एच ये लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों void, उसके बाद main और फिर यहाँ पे clr clear space, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक एरे हम लोग बनाएंगे int array और एरे का वैल्यू जो होगा उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आपको इनिशियलाइज करना है आप इनिशियलाइज कर लीजिए, 60, 30, 20, 45, 10 इस प्रकार से आप जो भी एरे का वैल्यू होगा उसको आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है ना, इनिशियलाइज कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ वेरिएबल चाहिए हम लोग को, जैसे कि एक वेरिएबल मैं लूंगा टेम्प नाम का, एक वेरिएबल लूंगा मैं आई और एक वेरिएबल मैं लूंगा जे। उसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप, और आई का जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो हम लोग 1 देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आई जो रहेगा वो लेस देन 5 होगा, एरे का साइज 5 है इसीलिए हम लोग यहाँ 5 दे रहे हैं। उसके बाद आई जो होगा इंक्रीमेंट करेगा। देन अब दोस्तों सबसे पहला बात, जब लूप को ये स्टार्ट होगा तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 1 दिया है तो जाहिर सा बात है लूप जो हैगा वो कौन सा नंबर से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग क्या करेंगे टेम्प वेरिएबल में दोस्तों, यहाँ पे आई अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब टेम्प में सबसे पहला बार जब लूप होगा तो उस वक्त टेम्प में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, अभी टेम्प में स्टोर हुआ  60, इस चीज को आप नोटिस करिएगा। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जे इक्वल टू आई, जे इक्वल टू अगर आई होता है दोस्तों, अभी जे के अंदर में कितना वैल्यू है, जे का जो वैल्यू होगा वो है 1, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ जाते हैं वाइल लूप चलाएंगे, वाइल, और while के अंदर में हम लोग का कंडीशन दिया गया कि अगर j का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और साथ ही साथ आपका a j माइनस 1, दोस्तों j माइनस 1 मतलब फिलहाल पहला बार जब लूप होगा तो j माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, दैट मीन्स इंडेक्स पोजीशन 0 का वैल्यू अगर यहाँ पे टेम्प में जो वैल्यू स्टोर है, tmp टेम्प में जो वैल्यू स्टोर है उससे बड़ा होता है तब ये लूप काम करेगा, अदरवाइज ये लूप काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लूप क्या करेगा, ए जे मतलब जे का जो वैल्यू रहेगा ए जे इक्वल टू ए जे माइनस 1, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, ये कंडीशन को देखिए, ये कंडीशन जो हो रहा है, ये व्हाइल लूप में जो कंडीशन दिया जा रहा है इसमें ये कंडीशन कब काम करेगा, जब जे का वैल्यू, तो पहला बार जे का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स ये ग्रेटर है जीरो से, और साथ ही साथ ए जीरो, ए जीरो मतलब ए जे माइनस 1 मतलब हो गया ए जीरो। अब ए जीरो मतलब पहला जीरो इंडेक्स का पोजीशन जो है वो कितना है, वो है 60, ठीक है। तो दैट मीन्स 60 जो है दोस्तों वो ग्रेटर देन टेम्प का वैल्यू में कितना है, टेम्प का वैल्यू में, यहाँ पे मैं गलती से फिर 60, यहाँ 60 नहीं, टेम्प का वैल्यू में कितना है 30 है, क्योंकि ए आई मतलब ये वाला पोजीशन, तो टेम्प का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30। तो अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब वो क्या होगा, ए जे मतलब कितना हो रहा है, ए वन हो रहा है, ठीक है। ए वन में क्या स्टोर हो जाएगा, ए जे माइनस 1, ए जे माइनस 1 मतलब होता है ए जीरो, ए जीरो मतलब अब कौन सा वैल्यू इसमें स्टोर हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका 60, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे बोला गया कि लूप के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, j इक्वल टू j माइनस वन करेंगे, वरना ये लूप तो चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे j माइनस वन कर देंगे और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब j का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, जैसे यहाँ पे j माइनस वन किया गया तो j का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, j इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होता है। तो अब फिर ये दोबारा वाइल लूप जो होगा भी तो काम नहीं होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा a j इक्वल टू temp, ठीक है। अब दोस्तों aj मतलब कितना हो गया, अभी फिलहाल aj मतलब j का वैल्यू कितना है, जीरो है, और जीरो में कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया है, temp में कितना वैल्यू स्टोर था, 30, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे वैल्यू जो a जीरो का था यहाँ चेंज हो गया, और यहाँ a वन का वैल्यू में 60 और a जीरो का वैल्यू में 30 आ गया। उसके बाद ये आपका लूप जो है ये आपका बंद हो जाएगा, यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर दोबारा जब चेक होगा तो अब i का वैल्यू 1 की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, ए मतलब यहाँ पे प्लस प्लस है, i प्लस प्लस है, ठीक है ना, i प्लस प्लस है, दैट मीन्स अभी i का वैल्यू जो होगा दोबारा जब लूप होगा, जब सेकेंड लूप होगा, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, जब लूप 2 होगा तो i का वैल्यू जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर इंडेक्स ये जो टेम्प का वैल्यू है इसमें कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 2 बोलने से आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा 20, और उसके बाद यहाँ पे j इक्वल टू y, दैट मीन्स j का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये पहले चेक होगा, अभी सबसे पहला चीज यहाँ पे चेक होगा कि 2 इज ग्रेटर देन 0 कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पे चेक होगा a 0 मतलब उसका वैल्यू में अभी A1 में 60 आ गया, क्योंकि ये जो लूप है आपका जब फर्स्ट लूप हुआ दोस्तों तो यहाँ पे वैल्यू कुछ इस प्रकार हो गया, यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे आपका 60 आ गया और यहाँ पे आपका 20 है, ठीक है, जब फर्स्ट लूप कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट लूप जब कंप्लीट हुआ तो उस हिसाब से अभी ये पोजिशन है आपका 60 को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे 60 को, 60 को 20 से चेक किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि j माइनस वन या j माइनस वन मतलब 2 माइनस 1, तो वो पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 60, और सिर्फ j बोला जाएगा तो वो पोजीशन हो जाएगा 2, तो यहाँ पे वो चीज भी चेक होगा। चेक होने के बाद में अब क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए a j, तो j का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, टेम्प में जो वैल्यू स्टोर है, तो टेम्प में कौन सा वैल्यू स्टोर है दोस्तों, 20 स्टोर है, तो 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए j माइनस 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1, तो j का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 होने के बाद में फिर से जब ये लूप होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था j इज ग्रेटर देन 0, फिर से लूप होगा, लूप होगा तो अब यहाँ पे फिर से चेक होगा, देखिए यहाँ पे चेक होगा आई ए जे का वैल्यू 1 है तो ये सही है, 1 इज ग्रेटर देन 0, और उसके बाद यहाँ पे जे माइनस 1 दैट मीन्स 1 माइनस 1 जीरो, और 0 में इस वक्त कौन सा वैल्यू है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा कि 30 ग्रेटर है कि नहीं 20 से, तो यहाँ पे देखा गया कि 30 जो है वो बड़ा है, मतलब फिर से लूप होगा। अब यहाँ पे j का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, यहाँ पे j का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में क्या बोला गया था कि जो टेम्प का वैल्यू है, नहीं, j माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 में कौन सा वैल्यू है, 30 है, तो वो 30 वैल्यू कहाँ होगा, वो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे कितना है j माइनस 1, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, j इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फिर j का वैल्यू क्या है, अभी 0 है, ठीक है। तो a 0 में अब 30 का जगह कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा,
20 स्टोर हो जाएगा। तो अब जो नया सॉर्टिंग पोजीशन आएगा दोस्तों ये सेकंड लूप होने के बाद, वो इस प्रकार से आएगा 20, उसके बाद फिर 30, उसके बाद फिर 60, और इसी प्रकार से दोस्तों कंटिन्यू ये चेक करते जाएगा और ये सारा लूपिंग जो है चलते जाएगा। अगर हम अभी देखेंगे इसको यहाँ पे फोर लूप का मदद से लूप को हम प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, और उसके बाद फिर i प्लस प्लस, और उसके बाद यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे a, और इसके अंदर में हम लोग i देंगे, और फिर यहाँ पे ई एंड डी एल दे देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और इसको बंद करके इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद गेट सी एच ताकि प्रोग्राम हमारा पॉज हो सके, और उसके बाद फिर इसको बंद करते हैं। अब इसको हम लोग अगर कंपाइल करेंगे इस प्रकार से तो देखिए दोस्तों 10 20 30 ये सॉर्टिंग करेगा। तो इंसर्शन सॉर्ट दोस्तों इसी प्रकार काम करता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।